एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू कोई भी मूवी या फिर कोई भी टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम कोई एक शो को चूज़ करते हैं तो इस तरीके से लिखा आता है, ऑल द टिकट्स ऑफ दिस शो आर सोल्ड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे इस शो को हम बुक नहीं कर पा रहे, तो कैसे ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स होगी और ये क्यों लिखा आता है, इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने प्राइस सिलेक्ट कर ली है और उसके बाद डेट यहाँ पे ऊपर लगेगी। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे प्राइस के हिसाब से ज़्यादातर क्या होगा, जो कम प्राइस वाले टिकट्स होते हैं वो जल्दी सोल्ड हो जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको एक तो आप डेट चेंज कीजिए। अब मान लीजिए 12 तारीख है, तो आप 13 तारीख के ऊपर क्लिक कीजिए और सेम टू सेम जो शो है, अभी हमें 11:30 का शो चाहिए था, तो यहाँ पे जो भी 11:30 का शो होगा उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको बुक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आपको आज की डेट के चाहिए देन यहाँ पे 11 AM का अभी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, नीचे जो शोज़ आपको मिलते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइस आपको बस सेम देना है, बस टाइम यहाँ पे थोड़ा सा आगे या फिर कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो शो अवेलेबल नहीं है उसको छोड़कर आप जो है आगे वाला जो टाइम है या फिर जो आपके आसपास वाली सिटी है उसके अंदर जो शो लगने वाले हैं उसको आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। बाकी अगर ये अवेलेबल नहीं है, जैसे अभी ये देखिए चित्रा सिनेमा है, तो इसका 10 AM का अवेलेबल नहीं है, तो आप 1 PM का भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।